अपोजिशन के कोई लीडर बन जाए, ताकि सूचना आयुक्त बनाना पड़ेगा, लोकायुक्त बनाना पड़ेगा। सूचना आयुक्त बनेंगे तो जनता सूचना को प्राप्त करेगी, तो सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होगी। उससे बचने के लिए लोकायुक्त होंगे तो सूचना के आधार पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसे बचने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जानबूझ करके मामला को लटका करके अपोजिशन के लीडर की मामला को उन्होंने 10 शेड्यूल का करके उसको डाल दिया। लेकिन उनको पता नहीं था, अरे सूचना आयुक्त और लोकायुक्त ही जांच नहीं करती है, जांच करने वाला एजेंसी और है, ईडी भी है, सीबीआई भी है और कोर्ट भी है। अब तो ईडी वाले जो जांच कर रहे हैं सब सामने आ रहा है, कैसे इन लोगों ने बालू को लूटा, कैसे इन लोगों ने दारू में लूटा, कैसे इन लोगों ने पत्थर को लूटा, कैसे इन लोगों ने कोयला को लूटा, कैसे इन लोगों ने जमीन की फर्जीवाड़ा की है, तो सब पता चल रहा है, सब कुछ आ रहा है। कई लोग जेल में है, कई लोग उसके रास्ते में है। तो ये जानबूझ करके, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा का विधिवत रूप से विलय, इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा को भी दे दिया। जब 2020 में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जब यह श्री दीपक प्रकाश जी जब अध्यादेश राज्यसभा के सदस्य चुने जा रहे थे, उस समय इलेक्शन कमीशन ने लिखित में कह दिया विधानसभा को कि बाबूलाल मारंडी बीजेपी के विधायक कहलाएंगे और जो बंधु तिर्कर प्रदीप यादव दो अन्य विधायक इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। तो ऑन पेपर है और इसके बाद तमाशा कर रहे हैं। तो भाई आप मत करिए ना, आप यही ना कह रहे थे कि लोकायुक्त होगी तो जांच करेगी, सूचना आयुक्त बन जाएंगे तो फिर सूचना बाहर निकल जाएगी, तो ईडी वाले बाहर निकाल रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।